लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने अपने घर समीरपुर में कुछ समय बिताकर आराम करने के साथ थकान मिटा रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 3-4 महीनों से चुनाव के प्रचार के लिए लगे हुए थे और अब 2-3 दिन का इंतजार लंबा लगेगा। लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर अपने घर समीरपुर में कुछ समय बिताकर आराम करने के साथ साथ थकान मिटा रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 3-4 महीनों से चुनाव के प्रचार के लिए लगे हुए थे और अब 2-3 दिन का इंतजार लंबा लगेगा। अनुराग ठाकुर ने सभी कार्यकर्ताओं को आनंद उठाने और आराम करने का आह्वान किया है। वहीं इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने एग्जिट पोल के नतीजों पर कहा कि एग्जिट पोल कांग्रेस के लिए एग्जिट का रास्ता दिखा रहा है और कांग्रेस का इन चुनावों में खराब प्रचार रहा है और कांग्रेस को अपने नेतृत्व में भारी फेरबदल करने की जरूरत है, क्योंकि 3-3 राज्यों में कांग्रेस को जिताने के बाद भी लोकसभा में सफाया होता है, तो ये बदलाव देश की जनता चाहती है। मुझे लगता है पिछले 3-4 महीनों से लगातार 18 से 20 घंटे का कैंपेन कभी सोचा ही नहीं था इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। कहने के लिए बहुत लंबा कैंपेन है, लेकिन जब आप कैंपेन में होते समय कब बीतता है उसका पता नहीं चलता। और अब तो 2 दिन का इंतज़ार है, ये इंतज़ार ज़्यादा लंबा लगेगा रिजल्ट आने से पहले, लेकिन कुछ पल मिलेंगे आराम करने के। कार्यकर्ता आ रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं, जोश है, उत्साह है कार्यकर्ताओं में। मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा अगले 2 दिन आप भी आनंद उठाइए, आराम कीजिए, आपने बहुत काम किया है। 23 तारीख रिजल्ट के बाद मिलेंगे, उससे पहले कोई तकलीफ ना करे ज़्यादा भागने की यहाँ आने की। आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप कृपया करके 2-3 दिन अपना काम और विश्राम कीजिए, परिवार को समय दीजिए और 23 तारीख के बाद हम फिर सब परिवार, बड़ा परिवार, भाजपा का परिवार इकट्ठा होकर जश्न मनाएगा, मोदी सरकार मनाएंगे। कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश में अपनी 2 सीटें परिवार की भी जीत ले तो बड़ी बात है। दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और हम अपने NDA के सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाएंगे। मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मोदी जी की नीतियों में, उनके नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है और पूर्ण बहुमत 23 तारीख को उनको मिलने वाला है। मेरा अपना मानना है मोदी जी की ईमानदारी और उनके बड़े और कड़े निर्णय जो देश हित में लिए हैं, वो लोगों ने देखा है कि ये वोट की राजनीति नहीं की, इन्होंने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। और कहीं ना कहीं अगर आप मोदी जी का 2001 के बाद गुजरात में या देश में राजनीतिक सफर देखें तो कुल मिलाकर मोदी जी ने सदा बड़े निर्णय लेने में कभी हिचकिचाए नहीं, क्योंकि वो लाभ के लिए नहीं, वो देश हित में काम करते हैं। राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मंदिरों में जाने की टिप्पणियों पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले मंदिर में जाकर ध्यान लगाया है, जो कि अच्छा है, लेकिन राहुल गांधी की इस पर टिप्पणियां ठीक नहीं है। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को कहा कि अब राहुल के अच्छे दिन आने वाले हैं और बोरिया बिस्तरा बांधकर नानी घर जाने वाले हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 2-3 दिनों का लाभ उठाया, उनकी भगवान में जो आस्था है, विश्वास है, उसके लिए जाके मेडिटेशन करने के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा किया। और जिस किसी को भी समय मिलता है उसको ये जरूर करना चाहिए, इससे आपको एनर्जी भी मिलती है, आप रिवाइंड भी होते हैं। और मुझे लगता है जब आपको वापस अगले 5 वर्ष देश के लिए देने हैं तो ऐसे धार्मिक स्थल पर जाकर समय लगाना ये अपने आप में बहुत महत्व रखता है। और राहुल जी के लिए तो मेरा एक ही संदेश है, राहुल जी आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, आप बोरिया बिस्तरा लेकर नानी घर जाने वाले हैं, फिर एक बार विपक्ष में बैठने वाली है। अनुराग ठाकुर ने मतदान प्रतिशतता बढ़ने पर खुशी जताई है और कहा कि इसके लिए हिमाचल की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि संसदीय क्षेत्र से बाहर रहने वाले वोटरों ने भी अपने घर आकर वोट दिया है, जो कि खुशी की बात है और जो कि वोट के सदुपयोग को दर्शाता है। कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश में अपनी 2 सीटें परिवार की भी जीत ले तो बड़ी बात है। दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी
और हम अपने एनडीए के सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाएंगे। मैं जनता का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मोदी जी की नीतियों में, उनके नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है और पूर्ण बहुमत 23 तारीख को उनको मिलने वाला है। मेरा अपना मानना है मोदी जी की ईमानदारी और उनके बड़े और कड़े निर्णय जो देश हित में लिए हैं, वो लोगों ने देखा है कि ये वोट की राजनीति नहीं की, इन्होंने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। और कहीं ना कहीं अगर आप मोदी जी का 2001 के बाद गुजरात में या देश में राजनीतिक सफर देखें तो कुल मिलाकर मोदी जी ने सदा बड़े निर्णय लेने में कभी हिचकिचाए नहीं, क्योंकि वो लाभ के लिए नहीं, वो देश हित में काम करते हैं। अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि इस बार चारों सीटें हिमाचल की जीतेंगे और देश में फिर से मोदी सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी के द्वारा पूरे देश में विकास करवाया है और हिमाचल में भी मोदी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। जब दोनों तरफ हमारी सरकारें थी और लोगों का भारी मतदान करना साफ दिखाता है पक्ष में मतदान हुआ है, चारों की चारों सीटें हिमाचल की भी जीतेंगे और रिकॉर्ड वोट से जीतकर मोदी जी की झोली में डालेंगे। हिमाचल के लिए मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, विशेष राज्य का दर्जा देना, कांग्रेस के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा पैसा देना, लगातार हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट देना, और मैंने तो जो मांगा मोदी जी ने कभी मना नहीं किया, चाहे वो एम्स अस्पताल हो, पीजीआई अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, ट्रिपल आईटी हो, टेक्निकल यूनिवर्सिटी से लेकर 25 नेशनल हाईवे, 2 4 लेन के प्रोजेक्ट, 3 जिलों के लिए रेलवे लाइन, ये कभी संभव ही नहीं हुआ था जो मोदी जी ने करके दिया है। मेरे प्रयास, मोदी जी का आशीर्वाद, इसका हमें लाभ मिला है और आगे भी इसका लाभ मिलेगा।